हाय हेलो, मैं अरुण तिवारी आप सभी लोगों का एग्जाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बैठकर पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, हम लोगों ने एक सीरीज की शुरुआत की थी जिसका नाम था 1857 का विद्रोह, और हम लोग अभी 1857 के विद्रोह के आधारभूत कारणों को पढ़ रहे हैं। और आधारभूत कारण में एक वीडियो में मैंने 1857 के विद्रोह के उन राजनीतिक कारणों की समीक्षा की, दूसरे वीडियो में 1857 के विद्रोह के आर्थिक कारणों की समीक्षा की। अब तीसरे वीडियो में हम लोग 1857 के विद्रोह के सामाजिक और धार्मिक कारणों की समीक्षा करनी है कि वो कौन से सामाजिक और धार्मिक कारण थे जिसकी वजह से भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा सैनिकों के साथ हो चला और उसने एक बड़े विद्रोह को अंजाम दे दिया। तो आप मेरे साथ एक हेडिंग डालेंगे और नाम होगा विद्रोह का सामाजिक आर्थिक कारण। तो लिखिएगा सामाजिक आर्थिक कारण। सामाजिक आर्थिक कारण, सोशियो इकोनॉमिकल कॉज। देखिए, जब भी हमें बड़े एग्जाम की तैयारी करनी है, यानी कि स्टेट सर्विसेज की तैयारी करनी है, आर ओ आर ओ की तैयारी करनी है, तो हमें तथ्य तो पढ़ना ही है, लेकिन उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ना है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, हमें अपने नज़रियों में परिवर्तन करना है, और नज़रिए में परिवर्तन कुछ इस प्रकार होगा कि 1857 का अगर विद्रोह हो रहा है तो इस विद्रोह के कुछ ना कुछ कारण होंगे, और कौन कौन से लोग हैं जो इन कारणों से प्रभावित हो रहे हैं, पहला पॉइंट जानना है आपको। और अंग्रेजों की वो कौन सी नीतियां हैं जिन नीतियों की वजह से यह व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, दोनों चीजें एक साथ जाननी है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि विद्रोह का अगर राजनीतिक कारण है तो राजनीतिक कारण प्रभावित कौन होगा, राजा होगा, जमींदार होंगे। और प्रभावित कैसे होंगे, तो विभिन्न प्रकार की नीतियों की वजह से होंगे। नीतियां कौन थी, गोद लेने की प्रथा का निषेध किया गया था, सहायक संधि अपनाया गया था, ये नीतियां थी। ऐसे ही आर्थिक नीतियों में हमने देखा कौन कौन प्रभावित होगा, कृषक प्रभावित हो रहा है, उद्योगपति प्रभावित हो रहा है, व्यापारी प्रभावित हो रहा है, और कैसे प्रभावित हो रहा है, जैसे कि भू राजस्व व्यवस्था से प्रभावित हो रहा है, मुक्त व्यापार की नीति से प्रभावित हो रहा है, और अंग्रेजों के टैक्स सिस्टम से प्रभावित हो रहा है। तब हमको जानना है कि अंग्रेजों के इन सामाजिक आर्थिक नीतियों की वजह से समाज का वह कौन सा तबका है जो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। तो पहला देखिएगा, प्रभावित हो रहा है ये आम जनता, ये जो मैंगो पीपल कहा जाता है, ये मैंगो पीपल भी प्रभावित हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको जानेंगे। दूसरा, प्रभावित हो रहा है ये पुरोहित वर्ग, और पुरोहित वर्ग प्रिस्ट क्लास, और पुरोहित वर्ग में दो लोगों को शामिल करते हैं। अगर हम हिंदू पुरोहित की बात करें तो हिंदू पुरोहित में आपको मिलेंगे ब्राह्मण, और ये ब्राह्मण अंग्रेजों के इन सामाजिक और धार्मिक नीतियों से इनका महत्व कम होने लगा और ये अंग्रेजों को भारत निकालने की कोशिश करेंगे। और यदि मुस्लिम पुरोहित की बात करें तो यहाँ पर जो मुस्लिम पुरोहित हैं उनका नाम है मौलवी, और ये जो मौलवी लोग हैं वो इनके नीतियों की वजह से प्रभावित हो रहे हैं और अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन बन जाएंगे। तो अंग्रेजों की सामाजिक और आर्थिक नीतियां किसको प्रभावित कर रही हैं, आम जनता को। किसको प्रभावित कर रही हैं, ब्राह्मण और मौलवियों को। तो कौन कौन सी वो नीतियां हैं जो प्रभावित कर रही हैं वो आपको जानना है। तो आइए उन नीतियों के बारे में समीक्षा करते हैं। पहला हम देखेंगे, पहली नीति, उसका नाम है अंग्रेजों की रंगभेद एवं नस्ल भेद की नीति। नस्ल भेद की नीति, पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, और पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड की वजह से भी लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, उसको समझना पड़ेगा आपको। आप नोट बनाइए और समझते रहिए। अंग्रेजों ने पॉलिसी बनाई तो नहीं थी, लेकिन लागू जरूर किया था रंग भेद को
और अंग्रेजों ने लागू किया था नस्ल भेद को। रंग भेद का मतलब ये हो गया कि अंग्रेज ये है आपके अंग्रेज, और अंग्रेजों का रंग क्या है, अंग्रेजों का रंग है गोरा, और यहां पर बैठा हुआ है भारतीय, और भारतीय का रंग कैसा है, तो हम तो सांवला कहते हैं लेकिन अंग्रेज हमको क्या मानते हैं, डार्क मानते हैं, वो ब्लैक नहीं मानते हैं, डार्क मानते हैं, हम सांवला नहीं कहते हैं। तो अंग्रेजों के अनुसार अंग्रेज गोरे लोग हैं, गोरी चमड़ी के लोग हैं, और हम कैसे हैं, काले लोग। दूसरा, नस्ल का मतलब क्या था, अंग्रेज अपने आप को मानते हैं उच्च नस्ल का लोग, उनकी जो रेस है वो भी उच्च मानते हैं, वो अपने आप को मानते हैं अल्पाइन, वो अपने आप को मानते हैं मेडिटेरियन, जो कि अच्छे नस्ल के लोग माने जाते हैं। और हमको क्या मानते हैं अंग्रेज, हमको मानते हैं निम्न नस्ल के लोग, जैसे कि हप्सी हुआ करते थे अफ्रीका में, वैसे मंगोलाइट टाइप के जो लोग हैं उनको मानते हैं। अंग्रेजों ने एक पॉलिसी लॉन्च किया था, वैसे पॉलिसी लीगल रूप में नहीं था, वो ऐसे मौखिक रूप में था, और उन्होंने कहा था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इन एनी रेस्टोरेंट एंड एनी पब्लिक प्लेस। भारतीयों और कुत्तों को, ध्यान रखिएगा, भारतीयों और कुत्तों को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर उपस्थित होने का अधिकार नहीं है। अब सुनिए, अब ये समाज का एक ब्राह्मण वर्ग है, और समाज का ब्राह्मण वर्ग अभी तक क्या कर रहा था, वह समाज में इसकी दशा पूजनी जैसी थी। आज भी ब्राह्मणों को क्या करते हैं, हम पूजनी मानते हैं, कुछ ही लोगों को मानते हैं लेकिन मानते जरूर हैं। उस समय भारतीय समाज में इन ब्राह्मण और मौलवियों की दशा पूजनी थी, और जब ये पूजनी लोग अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए किसी संस्था में प्रवेश कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने आगे बैनर लिखा था, और बैनर में नाम क्या लिखा गया था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड हियर। अब इन ब्राह्मणों की, इन क्षत्रियों की तुलना अंग्रेजों ने किससे कर दी, इन क्षत्रियों की तुलना अंग्रेजों ने कर दी कुत्तों से, और जब इनकी तुलना, इन ब्राह्मणों की तुलना कुत्तों से कर दी, तो इससे ये बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गए, और आक्रोशित होने के पश्चात इन नीच अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए इन्होंने धीरे धीरे अंदर से षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। तो पहली वो कौन सी सामाजिक नीति है जिससे आम जनता प्रभावित हुई, तो वो है अंग्रेजों की रंग भेद और नस्ल भेद की नीति। और इस रंग भेद और नस्ल भेद की नीति की वजह से भारतीय अपने आप को अपमानित करने लगे, उनकी दशा कुत्तों और सुअरों जैसी होने लगी, इसीलिए वह मन ही मन अंग्रेजों के खिलाफ घुटने लगे, और एक ऐसे अवसर की तलाश में थे जहां पर कोई उनका साथ दे दे और वह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दे। तो पहली पॉलिसी समझ गए, अब दूसरी पॉलिसी समझिएगा। दूसरी पॉलिसी है, उसका नाम है अंग्रेजों की धार्मिक नीतियां, जिसकी वजह से अंग्रेज भारतीय परेशान है। इसका नाम है अंग्रेजों की धार्मिक नीति, धार्मिक नीति। अब देखिए, इसको हमको फैक्ट के आधार पर कनेक्ट करना पड़ेगा, और फैक्ट कैसा है, आपको पता है कि 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। तो धार्मिक नीति देखिए अंग्रेजों की कैसी है, यह है 1813 का चार्टर अधिनियम, और 1813 के चार्टर अधिनियम में हुआ क्या था, भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों का प्रवेश, भारत में ईसाई धर्म प्रचारक का प्रवेश। अब देखिएगा, 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से जब भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों को प्रवेश दिया गया, तो इससे इन ईसाइयों ने क्या किया, भारतीयों को धन का लालच देकर उनको ईसाई बनाना प्रारंभ कर दिया। तो इन्होंने क्या कर दिया, भारत की एक जनसंख्या को बनाना प्रारंभ कर दिया ईसाई। अब इसको यूं समझिएगा, मान लीजिए मैं ब्राह्मण हूं और हूं भी, अभी तक हमारे यहां परंपरा ये थी कि ये ब्राह्मण है, और यदि ब्राह्मण सुबह कहीं से गुजर रहा है तो समाज का अन्य वर्ग
समाज का ये लोग हैं अन्य वर्ग, यह समाज का अन्य वर्ग ब्राह्मण को कहीं ना कहीं मॉर्निंग में वेलकम करता था, पंडित जी नमस्ते, आज भी होता है। लेकिन 1813 के अधिनियम के माध्यम से जब भारत में ईसाइयों को प्रवेश दिया गया तो इन ईसाइयों ने सबसे पहले टारगेट किया इन शूद्र वर्गों पर, और इन शूद्र वर्गों को कहा कि तुम्हारा भी जीवन क्या जीवन है, तुम शूद्र का धर्म छोड़ो, शूद्र शूद्र की जाति छोड़ो और तुम क्या बन जाओ, तुम बन जाओ ईसाई, और हम आपको क्या प्रदान करेंगे, पैसे प्रदान करेंगे और नौकरी प्रदान करेंगे। तो ये जो समाज का शूद्र तबका है वह शूद्र तबका अंग्रेजों से प्रभावित हो गया और ईसाई धर्म को स्वीकार करने लगा। अब एक केस समझिए, मान लीजिए कि मैं पंडित जी हूं और मेरे पास एक अन्य वर्ग शूद्र है, उस शूद्र का नाम है बुधई। पहले मैं जाता था तो ये बुधई मॉर्निंग में मुझको वेलकम करता था, मुझको देख कर कहीं ना कहीं दूर चला जाता था, एक दूरी मुझसे बना लेता था, सादर मुझसे एक दूरी बना लेता था ताकि वह मेरा इज्जत कर सके, और मैं भी इस बात को सोचकर काफी गर्वान्वित महसूस करता था। लेकिन अगर अगले दिन मैं जब सुबह घूमने के लिए गया तो पता चला कि बुधई बुधई न रहा और बुधई का धर्म बदल गया है और बुधई हो गया है मिस्टर जॉन। और मिस्टर जॉन क्या मुझको देखकर वेलकम करेगा? नहीं करेगा। और जब मिस्टर जॉन मुझको देखकर वेलकम नहीं करेगा तो फिर मेरा ईगो सेटिस्फाई नहीं होगा, वह ईगो अपने लेवल पर चला जाएगा और मैं उसके कारण को जानने की कोशिश करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि अंग्रेजों ने बुधई का धर्म बदल दिया है और धर्म बदलने के पश्चात इसका नाम हो गया है मिस्टर जॉन। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजों की पॉलिसी की वजह से भारत का यह शूद्र तबका या निम्न तबका कहीं ना कहीं अपने धर्म का परिवर्तन कर रहा था, और जब वह अपने धर्म का परिवर्तन करने लगा तो जो ही वह अगले धर्म में या अन्य धर्म में जाएगा तो ब्राह्मणों को और मौलवियों को सम्मान देना छोड़ देगा, जिससे ब्राह्मण और मौलवियों के गरिमा को ठेस पहुंचेगी और वह अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करना प्रारंभ कर देंगे। तो पहला कारण क्या था? नस्ल भेद और रंग भेद की नीति, जिसकी वजह से मौलवी परेशान है, ब्राह्मण परेशान है। दूसरा क्या था? अंग्रेजों की ईसाई बनाने की नीति, जिसकी वजह से भी क्या है, यह वर्ग परेशान है। अब तीसरी प्रकार की नीति देखिएगा, तीसरी प्रकार की नीति जिसकी वजह से वर्ग परेशान होगा। अंग्रेजों का मानना है कि भारतीय समाज असभ्य और बर्बर है, यह है अंग्रेज। और अंग्रेज क्या मानते हैं? अंग्रेज मानते हैं कि यह रहा हमारा भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। और कैसा है हमारा भारतीय समाज? दो चीजें हैं, एक तो अंग्रेजों के अनुसार यह समाज असभ्य है, और दूसरा क्या है, यह समाज बर्बर है। बर्बर समझते हैं, बर्बर मतलब होता है हिंसक, अनसिविलाइज्ड है और बार्बरिक टाइप का है। हम नहीं कह रहे हैं, उस समय के अंग्रेज कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? भारतीय समाज को। और कहने का कारण कहीं ना कहीं गलत भी नहीं था। भारतीय समाज को असभ्य और बर्बर मानने का अंग्रेजों ने उदाहरण दिया कि भारतीय समाज के लोग करते हैं सती प्रथा। अब सती प्रथा में क्या है, मैं आपको एक इमेज दिखाऊं तब आप चीजों को समझ पाएंगे। अब ये दिख रहे हैं, ये कन्याएं हैं और शादीशुदा कन्याएं हैं, देखिए कितनी सजी हुई हैं, कितनी खिल रही हैं। और अचानक किसी लड़की का पति जो कि शराबी है, वो क्या करता है, एक रात में शराब बहुत पी लेता है, गड्ढे में गिर गया और मर गया। तो शराबी गड्ढे में गिर कर मर गया तो इसमें पत्नी का दोष है क्या? नहीं। तो पत्नी को हमने क्या बना दिया? विधवा बनेगी। बिल्कुल, पति के मरने के पश्चात पत्नी क्या हो गई? विधवा। विधवा तक तो ठीक था, लेकिन यह भारतीय समाज इस विधवा स्त्री को दिखे यहां पर लेकर आ रहा है और जला रहा है। यह कहते हैं सती प्रथा। तो सती प्रथा देखने में तो आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसको विश्लेषण करके देखिएगा। एनसीईआरटी की जब किताब पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी की किताब ने सती प्रथा के बारे में एक बड़ा ही गंदी बातें बताई हैं। एनसीईआरटी किताब कहती है कि किसी भी स्त्री को सती बनाने से पूर्व उसको कुछ इस प्रकार का लीकर, इस प्रकार का पेय पदार्थ पिलाते थे ताकि वो नशे में हो जाए। अब इस स्त्री को हमने बढ़िया से नहलाया धुलाया और उसको कुछ पीने के लिए दिया, स्त्री हो गई नशे में। उस नशे में रहने वाली स्त्री को
उसके पति के साथ यहां पर आग में लिटाया गया, और जो ही आग लगाई गई तो आग की ज्वाला की वजह से इस स्त्री का नशा टूटा और स्त्री चीखने लगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, साड़ी किताब कह रही है, स्त्री चीखने लगी। और देखिएगा, ये भारतीय समाज के तथाकथित उच्च वर्ग के लोग यहां पर भाला और तलवार लेके खड़े हैं, यहां पर कुछ लोग पंडित जी यहां पर अक्षत लेके खड़े हैं, और कुछ लोग तो बड़े बड़े नगाड़े बजाते थे, बड़ी बड़ी बल्लियां लगाई जाती थी, और जब स्त्री उस आग से निकलने की कोशिश करती थी तो उस बल्लियों के सहारे उसको दबाया जाता था ताकि उसी में रह जाए, और बड़े बड़े नगाड़े बजाते थे ताकि उसका चीख कहीं बाहर ना निकल पाए। तो क्या भारतीय समाज सभ्य था? क्या भारतीय समाज सभ्य नहीं था? अंग्रेजों के अनुसार क्या बात सही है, उस समय का भारतीय समाज असभ्य था, बर्बर था, वो मानव को मानव नहीं समझता था। दूसरा, ऐसे एक प्रथा थी, उसका नाम था नरबली प्रथा। नरबली प्रथा में क्या है, अगर किसी व्यक्ति की मान्यता पूरी हो जा रही है तो व्यक्ति अपने ही परिवार के किसी सदस्य को ईश्वर के सामने जिंदा ही काट देता था। क्या मैं मेहनत न करूं तो क्या मेरा उद्देश्य सफल हो पाएगा? अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे तो इसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। लेकिन समाज इतना अंधविश्वासी था कि वह अपने लोगों को यूं ही मारे जा रहा था। इसीलिए अंग्रेजों ने क्या कहा कि भारतीय समाज क्या था, असभ्य। भारतीय समाज क्या था, बर्बर था। और इसी भारतीय समाज को सभ्य बनाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीय समाज में हस्तक्षेप किया। अंग्रेजों ने भारतीय समाज में कर दिया हस्तक्षेप, इंटरवेंशन। कैसे हस्तक्षेप किया? तो पॉइंट नंबर एक, पहला पॉइंट लिखिएगा, उन्होंने क्या किया, सती प्रथा को समाप्त कर दिया। सती प्रथा की समाप्ति, ये क्या मानेंगे, अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज में हस्तक्षेप। और सती प्रथा का समाप्त किया गया था राजा राम मोहन राय के आंदोलनों की वजह से। और समाप्त किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। कब समाप्त किया था, 1829 के इंडियन सती रेगुलेशन एक्ट के माध्यम से। सती उन्मूलन कानून या अधिनियम कब का है, 1829। और इसके माध्यम से अंग्रेजों ने भारतीय समाज में हस्तक्षेप किया और सती प्रथा को समाप्त कर दिया। ऐसे ही अंग्रेजों ने भारतीय समाज में हस्तक्षेप किया और नर बलि प्रथा को उन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इस प्रकार की चीजों से भारतीय समाज के लोगों को लाभ तो मिल रहा था, लेकिन वो पंडित व मौलवी जिनको इसमें फायदा मिल रहा था वो अंग्रेजों से नाराज होने लगे। अभी बताइए कि जो पंडित जी हैं जो अक्षत फेंक रहे हैं, वो इस अक्षत फेंकने के एवज में बहुत मोटी रकम ऐठा करते थे। ऐसे जो मौलवी लोग हैं वो भी बहुत मोटी रकम ऐठा करते थे। और अंग्रेजों ने जब इस प्रकार की गतिविधियों को बंद कर दिया तो इन लोगों का व्यापार भी चलना बंद हो गया, और जब इन लोगों का व्यापार चलना बंद हो गया तो इससे ये लोग क्या हो गए, नाराज हो गए, और नाराज होकर अंग्रेजों के खिलाफ धीरे धीरे षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। तो पहला हमने कारण देखा था, पहला कारण क्या देखा था कि पहला कारण देखिए, सामाजिक कारणों में हमने देखा था रंग भेद और नस्ल भेद की नीति से ये लोग परेशान है। दूसरा हमने देखा था इनके धार्मिक नीति से, ईसाई बनाने की जो नीति थी उसे परेशान, इनका महत्व कम हो रहा था। तीसरा हमने देखा था अंग्रेजों ने भारतीय समाज में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया, और जब भी अंग्रेजों ने भारतीय समाज में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया इससे पुरोहितों और मौलवियों की प्रतिष्ठा कम होने लगी, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रकार के षड्यंत्र को जन्म दे दिया। ओके, अभी और बातें हैं, बातें इतनी नहीं हुई, अंग्रेजों ने भी भारतीय समाज में जानबूझकर तबातोड़ तबातोड़ लगातार इंटरवेंशन किया, हस्तक्षेप किया। लॉर्ड डलहौजी ने विधवाओं की स्थिति में सुधार करने का भी प्रयास किया। और देखिए, यह एक लड़की है, यह विधवा हो गई है, उम्र कितनी होगी, 60 साल उम्र होगी, 25 से लेकर 30 साल या 20 से लेकर 25 साल के बीच। इस लड़की को क्या अपना अगला जीवन जीने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल अधिकार है। तो क्या करें, सती प्रथा को करें? नहीं, अंग्रेजों ने कहा कि सती नहीं होने देंगे।
तो धीरे धीरे बाकी समाज मान गया, धीरे धीरे माना कि ठीक है चलो हम मारते नहीं है, लेकिन ये क्या बनकर रहेगी, विधवा बनकर रहेगी। और जो स्त्री विधवा बनकर रहती थी उस स्त्री की दशा ऐसी नहीं है सुंदर सुंदर, ये पूरे बाल यहां से हटा दिए जाएंगे, केवल श्वेत वस्त्र धारण करेगी, केवल उबला हुआ भोजन करेगी, किसी के साथ बात नहीं करेगी। तो आपने जिंदा रखा, लेकिन क्या सच में जिंदा रखा? नहीं। और अंग्रेजों ने क्या किया, इस बात को भी अंग्रेजों को पसंद नहीं आया, और अंग्रेजों ने कहा कि भारत में इन विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह का अधिकार मिलना चाहिए। भारतीय समाज पहले मान तो गया था कि ठीक है सती नहीं करेंगे, जलाएंगे नहीं, लेकिन विवाह नहीं होने देंगे। लेकिन कई ऐसे लोग हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने आंदोलन का निर्माण किया, और इस आंदोलन की वजह से इन विधवाओं को भारतीय समाज में पुनर्विवाह का अधिकार दिया गया, और इसी के लिए एक अधिनियम पास किया गया। वैसे फ्रेमिंग किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, एक्ट पास किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। यह है 1856 और यह है आपके गवर्नर जनरल, और इस गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, और इस लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में एक एक्ट पास किया, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, और ये पास हुआ था 1856 में। और भारतीय समाज में जब विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार दिया गया, तो विश्वास मानिए भारतीय समाज के जो पंडित पुरोहित इवन आम जनता, वो इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि बोली कि अंग्रेजों को भारत से तुरंत बाहर निकालना है। और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए वह उन शक्तिशाली लोगों की तलाश करने लगी जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर सकते थे। और तभी मौका मिला, और मौका मिला तो मौका मिलने के बाद अंग्रेजों से एक वर्ग नाराज था, जिस वर्ग का नाम था सैनिक। और जो ही सैनिकों ने विद्रोह किया, इस मौलवी, इस पुरोहित और भारतीय समाज के आम लोग उसके साथ हो गए, और जो ही आम लोग उसके साथ हो गए तो फिर विद्रोह की शुरुआत प्रारंभ हो गई। तो इस प्रकार देखते हैं कि 1857 का विद्रोह केवल सैनिकों के गुस्सा के कारण ही नहीं हुआ, बल्कि अन्य कारण इसके पीछे जिम्मेदार हैं। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक और धार्मिक कारण भी इसके पीछे उतने ही जिम्मेदार हैं। अभी तक हम लोगों ने इन प्रकार के कारणों की समीक्षा की है, अभी एक कारण और बाकी है जिसका नाम है सैनिक कारण। तो अगले वीडियो में उन सैनिक कारणों की समीक्षा करेंगे कि वो कौन कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से हमारे सैनिक नाराज हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।